8 साल हो लिए सरकार चल दी ने, पूरे 8 साल हो गए, 8.5 साल के अंदर किन हो गए युवा खातर सरकार किसी है बढ़िया बढ़िया या बेरोजगारी दे रखी है कति बढ़िया बात। बेरोजगारी तो यार देख है ही सारे विश्व में आर्थिक मंदी चलन ला रही है, जब भारत देश के एकलो थोड़ी नैरो थोड़ी रहेगी है। फिर ये इतने लोग भारत ने छोड़ छोड़ के विदेशों में क्या था जावे है, जब उड़े आर्थिक मंदी है तो अपने देश ने छोड़ के क्यों बाजे है भाई, बाहर देश का भी तो भारत मान ला रहे है, बाहर देश का कड़े बांग्लादेश का हमें मेरे यार बाहर देश मान लिया वो तो क्यों को नहीं आवा यार, काम को नहीं होने लग रहा। फिर किसकी कमी है? कमी तो देखो खट्टर सरकार की है, खट्टर सरकार की है, खट्टर सरकार की है। हाँ जी, फिर के लागे है ये चुनाव आ रहा है देखो जी, मैं तो वोट कुलदीप बिश्नोई ने दियागा, बाकी जीत को मैं क्या कर सकता। महंगाई चलने लग रही है जी, फुल प्लेस है महंगाई तो। अच्छा बताओ के लगा है के माहौल हो रहा है? माहौल तो जी अब की बार है बुरा तो जी, देखो कुलदीप की सीट तो पक्की है, तो देखो थोड़ा सोच कर बताइए के लागे डैश का किला भाई लग गया जी थोड़ा सा के तो थोड़ा सा हाँ है जी है थोड़ा सा। कभी हाड़ गांव में सोच दियो कि भाई गांव में गढ़ में खड़ी हार कह दे मार आगे सिर्फ जीना में कह ना, यह बात भी तो उसका है नहीं है जी, मतलब लग गया थोड़ा 1-2% चांस हो उसके जी। राम राम जी दोस्तों, तो भाई सिसवाड़ गांव की तीसरी वीडियो, एक गांव में इतना टाइम देने का मतलब यो है कि हर मानस की जो इच्छा है वह जानना चाह रही, हर गांव में बड्डा भाई तीन के एक आधी जगह और भी मानस इकट्ठे पा गए, तो वह भी वीडियो आज का है। आड़े देख लो युवा साथी बैठे हैं, बातचीत करांगे और बात यह नहीं होगी भाई वोट किस्ती देवांगे, जो बात है वह होगी गांव की समस्याएं की। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, ठीक हो? ठीक हाँ जी। चुनाव आ रहे हैं जी, के क्या समस्या गाँव की? समस्या तो देखो गाँव में मैंने सारी समस्या रहे, पानी की बिजली की। अच्छा, मतलब ना बिजली टाइम पाती है ज्यादा, तो सड़कों की नालियों की सारी कमी है। एक चीज और देखी मैंने भाई साहब, मतलब चाहे तो रोड बना हुए नहीं थारे के लिए तो वह खबड़िया काम कर रखा है, आधा बना दिया आधा छोड़ रखा है, छोड़ रखा है तो काम को नहीं होने लग रहा, काम को नहीं होने लग रहा। फिर किसकी कमी है? कमी तो देखो खट्टर सरकार की है, खट्टर सरकार की है, खट्टर सरकार की है। हाँ जी, फिर के लागे है ये चुनाव आ रहा है? देखो जी मैं तो वोट कुलदीप बिश्नोई ने दियागा, बाकी जीत को मैं क्या कर सकता। ना ना यो के बात होई बोले कमी भी वो उसी में कमी है, उसी वोट देवा मारे तो देखो बदलना लगे सरकार वाले 92-93 में लेकर मैं कुलदीप ने वोट देता या वोट कुलदीप ने दिया जीत की हार की मैं क्या कौन सकता। ये लागे फिर गढ़ आ रहा है, गढ़ रहेगा खड़ होगा देखो ये भी बराबर की मैं देखो बराबर तोल चल रहा है, कुछ कौन कह सकता है पहले कुछ बोल के सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ जी, क्यों के बात होगी साकी कितना खतरा महसूस हो रहा है? खतरा माने तो उरों तो कोई खतरा कोनी जी, और कड़ा तो है खतरा तो आप भी आ गए आदमपुर सदलपुर आ गए चोली बगड़ी आ गए बहुत से गांव पड़े जी। अच्छा है जी, मारो गांव तो देखो उरों कुलदीप को ताले ताले आड़े तो कुलदीप का कितने वोट से गांव में वोट 9000 है, 9000 वोट ठीक है, कितने कहा जाएंगे वोट तो देखो 9000 में 2000 कम हो सके फिर भी 7000 वोट, 7000 तो पोल ले आ करे पोल होने वाली सारी वोट आ जाएंगी। देखो पोल हो भी 1500 रुपए वोट टूट सके। अच्छा 1500 और कटा दी। हाँ मतलब 4.5 एक कंता था लास्ट का भाई, 5000 वोट कुलदीप के जरूर आऊंगा भाई भी सही सही ला लियो ना जी, मार तो सही है सही सही ला लियो ना बता दिया जी, बाकी भाई बराबर बैठे बूझ लियो जी, गढ़ तो बढ़िया बढ़िया का टूटा है भाई साहब। और जब बात करा था हमनु कण लाग रे गढ़ नहीं टूटा रदा, तो जो एमपी का चुनाव था उसमें क्या हो गया था? उसमें भी तो टूटा था नहीं टूटने वोटा ने देखो राजनीति को कोई फेर कौन पड़ा है, पहले कांग्रेस में था ये भी बीजेपी में आ गया। अच्छा तो सरकार ने किसान तो देखो मेरे पास थोड़ा दुखी होगा, किसान तो अपने बीजेपी में खिलाफ खिलाफ वोट मान लेंगे, दुखी हो रहे हैं भी किसान। तो भाई युवा साथी हैं इन तक बातचीत करांगे, सवाल है भाई अग्निपथ योजना का कितना असर है आर पे कुलदीप की पे या जीत पर होगा? राम राम भाई साहब। राम राम भाई, यो इलाका एक ईसा इलाका है जडे गरगेला बालक फौज की तैयारी कर रहे हैं, अरे बुआ फौज कर दी सरकार ने 4 साल की, थारा आ गया उपचुनाव केरेगा जो युवा है वो अग्निपथ का किरणा का क्रोश दिखाऊंगे। देखो जी वो मैटर तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ना सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो पार्टी तो एक की होगी ना, दाब दबाव दिया जा करे असली बात पा जाओ या ना हो। मेरी बात सुनो जी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी है बीजेपी के, कुलदीप बीजेपी में चला गया ठीक है, एक अब कुछ को नहीं कुलदीप मान लो ठीक है,
तो मान लो अगर यो जीत भी गया एमएलए बन गया, यो खुद अब खड़ा भी को नहीं अब इसका लड़का खड़े है, ठीक है। अगर यो दबाव भी बना तो एक बंदे से कुछ को नहीं होगा, सरकार में होते हैं ठीक है, उससे कोई फर्क कौन पड़े, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम। बाकी बात रहेगी आदमपुर हल्के की, आदमपुर हल्के की बात ये है, जब इलेक्शन का टाइम आ जावे उस टाइम तो कुलदीप हो जावे आ जावे, ठीक है। आज के दिन आप आदमपुर में जाके देख लो, आदमपुर शहर में गाँव में तो काम की छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदमपुर शहर में अगर एक आंगल बारिश हो जाए तो मान जाने का कोई महत्व को नहीं, बंद है, ठीक है। मतलब एक बार बारिश हुई और शहर बंद, एक आंगल बारिश होगी तो तो बंद है आदमपुर शहर, आने जाने का कोई साधन नहीं है वहाँ पे, मतलब तंग पूरे आ रहे हो। वोट फिर भी कुलदीप, हाँ वोट देखो जीतेगा कुलदीप भी, पर वैसे नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए एक बार, क्यों पता चलना चाहिए बंदे ने जो आधार आधारभूत सुविधा है आदमी की वो मुहैया करानी चाहिए बंदे को, ठीक है। इलेक्शन का टाइम आवे जब जीत जावे आगे वोट मांगेगा जीत जाएगा, ठीक है। नहीं फिर युवा में मतलब कितने कितने आक्रोश है जी, जो पढ़े लिखे युवा है वो तो समझा इस बात ने, अग्निपथ जो योजना है उसका भी कोई असर दिखेगा, जो बंद जो लड़के यंग लड़के जो तैयारी करिए उनने उनका तो बहुत विरोध करेंगे, वो तो पता ही है, दिखेगा वो तो फर्क पड़ेगा उसमें, ठीक। लाग रहे इतने करोड़ की योजना बोले मैं लाऊंगा, यह बात हमने इलाहाबाद में सुनी, यह बात बड़ौदा उपचुनाव में, इब उड़ा जाकर देखा हने उड़े वहां हालात हो रहे हैं, मतलब ये चुनावी वादे हैं के सारे। देखो जी उस बात मैंने ज्यादा पता को नहीं, मैंने कल परसों फोन पर देखी थी, सलेमगढ़ जा रहे थे कुलदीप जी, तो वहां पर आप जैसे पत्रकार भाई थे, ठीक है, उनने सवाल कराया जी जो आदमपुर की दिक्कतें हैं, बोले कुलदीप जी बोले बोले क्या दिक्कत बताओ, ठीक है। तो वो पत्रकार भाई बोले रोड की दिक्कत है, रोड नहीं है। तो कुलदीप जी ने कहा बोले 350 करोड़ रुपए का मैं रोड का काम करवा चुका हूँ, ठीक है। लाग रही हूँ हाँ, तो वो बात मैं कहना चाहूँ भाई, आप आदमपुर का बार आस पास कोई सा गाँव में घूम फिर देख लो भाई, कौन सा रोड बने 350 करोड़ रुपए, मतलब 350 करोड़ की जिसी झूठ बोल दी, 550 करोड़ भी झूठ हो सके हैं उसका जी, ठीक है। या चीज समझ रहा युवा, जमीन पे कोई काम नहीं है जी, कोई भी काम कोई काम को नहीं है जमीन, ठीक। तो भवेन तो सर उसका ही भी देखो जी जीतेगा तो भाई मैं तो वोट तो देंगे उस नहीं, मतलब वोट तो दोगे इब यो तो कति गड है जीता बा बैठे सी सवाल कति गड है, जब याड है ये सुर है तो आप जब बाल संबंद की साइड जावांगे उन गामा में भी तगड़े गाम है, जड़ा तक कदी तार दिया ये उड़ा डिफरेंस और बढ़ेगा तो फिर मुश्किल नहीं होगा, फर्क पड़ेगा जी, एक तरफा इलेक्शन को रहा फर्क पड़ेगा जी पूरा पूरा, ठीक है। हाँ। मुश्किल तो होएगा कि मैंने की मुश्किल तो है जी, के लागे है जब विपक्ष में कौन सा उम्मीदवार है जो ज्यादा खतरा पैदा करेगा, देखो जी वो तो पार्टी का मैटर है, आप के बता सके नहीं, एक तो आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, इनेलो होगी, इबका के लगा है टक्कर कौन देगा, टक्कर कांग्रेस की रहोगे, टक्कर मतलब मुकाबला में कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस का कैंडिडेट देखो कौन सा खड़ा करे कांग्रेस, अच्छा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को है के मेरी भी फैन फॉलोइंग घनी है आदमपुर में, साच का एक झूठ बोल रहा है जी, ऐसा कुछ को नहीं, दीपेंद्र ने तो लगभग तो जो पढ़े लिखे जाएंगे वही जाना, और दीपेंद्र ने कौन जाना आदमपुर में कोई, फिर युवा ने तो युवा ही जानेंगे वो तो है जी, ठीक है फैन उतना ज्यादा को नहीं, पर जैसे मान लो इलेक्शन आगे कोई पार्टी हो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इलेक्शन आओगे इलेक्शन में चमकाएंगे वो एक बार, ना वो सुनो एक बार, बाद में सुनो एक बार, जो कर मोदी के फैन थे युवा थे फिर वे भी सुनो ही था जो लड़न लाग रहा था एमपी का चुनाव, वो जब आदमपुर हार सके है, ठीक है, तो जब दीपेंद्र के फैन युवा है तो फिर क्यों नहीं हार सकता, देखो जी सारा सा मेन दिक्कत हो गई कैंडिडेट, देखो कांग्रेस कौन सा उतारती है, जेपी सिंह बढ़िया है, संपत सिंह है, एक यो नंबरदार है बाल समंद वाला, कौन सा बढ़िया है नंबरदार, कौन सा बाल समंद है नंबरदार, जेपी कैंडिडेट टक्कर में रहोगा जी, टक्कर में रहेगा, संपत तो नहीं रहोगा जी मेरे हिसाब से, ठीक, मतलब जेपी आ गया तो पूरी पूरी टक्कर होगी, हाँ जेपी आया तो टक्कर होगी, ये ले भाई साहब रुके मारने लायक रहा था ही भाई साहब की काटेंगे पूरी फड़क भीतर की, राम राम भाई साहब, राम राम भाई तगड़े फैन, ना ना गणे तगड़े को, और ठीक ठीक से, ठीक ठीक से, ठीक ठीक है, हाँ ठीक ठीक, क्यों के बात हुई, वोट देने में ध्यान दे, वोट दे, हाँ काम की आस है, कोई काम नहीं आस है, फिर कद काम करवाने का सीखोगे, ना ना मान ना तो करवाना नहीं, कोई करेडो देखना हमारे टाइम में तो कभी करियो को नहीं, कदे कराया ही नहीं,
मार देखने में तो कौन करे नहीं। फिर नो बताओ इतने साल है, 25 साल है, 25 कड़े है, 25 साल तो कुलदीप थी दे दिए, उससे पहले भजन लाल जिया थी दिए। जब इतना टाइम है एक मानस थी आप देवा हाँ, तो फिर हल्का तो चंडीगढ़ वर्गा होना था। होना तो था, इब क्या वर्गा, इब क्या वर्गा है और तो कौन है हल्का तो एक मानस का जुड़ गए बेरा नहीं भाई साहब तो बुढ़िया लारे चला जी बुढ़िया बुढ़िया का तो कोई और टाइम था ठीक है। बुढ़िया के मैं काम कर गए और बुढ़िया के पीछे चलने लग रहे हैं। अच्छा हाँ मतलब भजन लाल जी की शर्म से यही है बात। ठीक है कुलदीप बिश्नोई भजन लाल जी का नाम नहीं ले हुआ है तो कोई ढंग नहीं है, कोई ढंग नहीं मतलब ही नहीं हाँ। भजन लाल जी का एक छोरा कांग्रेस का भी है, कोई दिक्कत नहीं जी जीती भावे नहीं। एक सुनो एक बार, एक बार तो आऊंगे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की वोट मांगने ठीक, दूसरा होगा उसका बड़ा भाई कांग्रेस की वोट वोट मांगने, दोनों एक घर के मानस है, के लाग गए दूसरे भाई का क्या फर्क नहीं पड़े ना जी, कोई फर्क कौन पड़ता। फिर भजन लाल की कड़े शर्म रही नहीं उसमें न जाने कौन जी चंद्रमोहन ने नहीं चंद्र इसका मतलब वो भजन लाल का बेटा नहीं नहीं वो जाने तो कौन है नहीं जाने की बात नहीं। फिर यह बात था हम कहने लगा सुनो बात या बात या कही है कि हमने शर्म है भजन लाल की तो छोरा दो भी भजन लाल का है नाम सुने डे देख रहे कौन जी कोई ना इब दिख जाएगा जाना जी इब दिख जाएगा दे देंगे जी जरूर देंगे उसने ही देंगे। चंद्रमोहन को सीट दिलवा देना कुलदीप के सामने आदमपुर की कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी के हिसाब से दोनों को सीट दे दो दोनों भाई को। अच्छा चंद्रमोहन नठिया जा तो साची यो सवाल तो रहेगा था चंद्रमोहन नठवाओ भजन लाल का लड़का कौन सा जीतेगा किसका फैन कौन से युवा कौन से को चला रहे भाई एक जबर फैन बैठा भाई जमा का निवार का माइक की बाट देखने लग रहा है कसूता माथम टीका लागन है और सारी बड़ा हस जो है छोरा कट्ठी कर रहा था ये बूझ जाएंगे अकेला गए है। राम राम सेठ जी राम राम ठीक सो ठीक बढ़िया जमा मौज में हल्के का सारा हाल बिगड़िया पड़िया इतनी मौज क्यों करा रही है ना इतना तो कोई बिगड़ रहा कौन बस जमीनी काम होने हो रहा और आसमान पर काम हो रहे हैं हेलीकॉप्टर उतरे हैं ना और तो ना तो लाइट की कमी 24 घंटा लाइट रहे सब पानी रहे और इतनी तो कोई समस्या को नहीं लाइट की भी समस्या सुनी थी गांव का भीतर सारे गांव में कहने वाले थे लाइट की भी समस्या पानी की भी समस्या मारो मारे दिया कोई समस्या को आदमपुर थारा एरिया हुआ आदमपुर मारे दिया एक इंच बारिश हुई अरे पानी खड़ा हुआ तो इनकी बार जिताऊंगा भव्य भी सुनाई ना देखा सरकार का सागे वो उसका सुधार कर दे ना जतान दे तो कदे दे इन्हें जतान दे आ रहे हो तो कई बार सरकार का विपक्ष में रहे उसका भी जो काम ना है विपक्ष में कड़े इसका तो काम है इडल जीत का फिर इस्तीफा दे दे कोई भरोसा है तो माना और तो कोई जगह ही कोने वोट करना नहीं नो बताओ इसका कोई भरोसा है भरोसा ही पे करांगा और तो दूसरा भाई ला रहे राव वीरेंद्र दिया सांसद में मोदी ने बयान मारने का मोदी ला रहे फिर वो कभी आए कौन दोबारा वो आया नहीं हां कहने तो इसकी भी नु लाग रही है कि एक बाव है 5 साल में इलेक्शन का टाइम पर दोबारा जी कदाई को नहीं ना ना जरूरत पड़े आदमपुर चला जा मिल जाए बात हो जाए इसी बात को नहीं आदमपुर चला जा जरूरत पड़े तो कै साल में आ जाए एक भाई आदमपुर आदमपुर तो मारा जरूरत पर मिल जाए लगभग 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 फिर कोई काम तो कटवा करो गांव के गांव में काम होए इसी बात को नहीं इसी बात को नहीं होए गांव में काम आप तो नुको दे जमीनी से तरफ कोई काम नहीं हो रहा जिस तरह आदमपुर में है अभी बारिश आ जाए पानी भर जाए वो पेंडिंग पड़े है और जिस तरह हमारे गांव में कोई चीज की डिमांड करा मिल जाए आ जाए इसी बात को नहीं नुको है रोडा पे आदमपुर के रोडा पे 300 करोड़ रुपये ला दिए मैंने ठीक है वो 300 करोड़ रुपये कित लाग रही है ना 300 करोड़ कौन लाग रहा नहीं बता दो कितने लाग गया दिख दियो तो हम चले जावाएं कैमरा लेकर के भाई हाड़ लगा रखे 300 करोड़ रुपये ना 350 करोड़ ना कौन लग रहा कौन लग रही है झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे एक एक बात हो रहे है अभय सिंह चौटाला नु कहना लग रहा अग भाई 200 करोड़ का घोटाला कर रहा था और सरकार ने ठहरा के सबूत है ये तो 200 करोड़ मैं चाहे तो जेल में जावर है जहाँ पार्टी छोड़ कर उराना है ये तो बड़ी बात होगी जी मार लेवल की कौन है उसके क्यों रोल ना ही तो ज्ञान को नहीं माने लेकिन इस तरह आया अभी मान ले जेपिन दे दिया तो जेपिन वोट देने बाद मान करें कोई आसरो को नहीं मेकर जाकर जेपी मिला
काम ही खतर जावा या जावा तो माने जेपी को जगह कौन बेरो जगह तो कितने कितने तो ठिकाना होएगा जब विधायक बनेगा तो जो नजदीक हमारे ले भाई यो भाई भाई के डाटे खड़ा है ना 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 के हो जी ले भाई देख बाजली यार राम राम भाई ना राम राम इसी डाल के डर है नु पता न्याग ले कड़े कहीं मत ना को निकड़े पे यार सब कड़ा भाई बिल ले रहे हां नचावांगे अच्छा ना यार नु बताओ युवा हो युवा खातिर के लागा बीजेपी सरकार किसी के लागा युवा खातिर यार सरकार कांग्रेस गया जब मैं क्यों और मैं के कहूं 8 साल हो लिए सरकार चल दी ने पूरे 8 साल हो गए साढ़े 8 साल के अंदर किन हो गए युवा खातिर सरकार किसी है बढ़िया बढ़िया या बेरोजगारी दे रखी है कति बढ़िया बात तो बेरोजगारी तो यार देख है ही सारा विश्व में आर्थिक मंदी चलन ला रही है जो भारत देश के एकलो थोड़ी न्यारो थोड़ी रह गया फिर ये इतने लोग भारत ने छोड़ छोड़ के विदेश में क्या जावे हैं जब उड़े आर्थिक मंदी है तो अपने देश ने छोड़ के क्यों बाज हैं भाई बाहर देश का भी तो भारत मान ला रहे बाहर देश का कड़ा बांग्लादेश का है मेरे यार बाहर देश मान लिया वो तो क्यों को नहीं आवा यार बांग्लादेश बाहर देश ही है वो के भारत में मिले है मतलब ही भारत की तुलना आप बांग्लादेश के लिए करांगे भारत की देश तो कमान खातर आवा है चल अपनो दे आदमी जावे वो किसो कट जावे है पोचे मारे है योग्यता कौन सी होगी सुमें तो फिर अड़बान पोचो मारे शर्म आवाज जाके पोचो मारे शर्म को नहीं आवे शर्म की बात को नहीं आड़े उन अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा तो रोजगार पहला कितने लेडो तो पहला बता नहीं भाई भाई आप आती भाई पहला भी लेडो पहले हरियाणा टॉप 10 में भी नहीं आया करता बेरोजगारी में आज 3 साल हो लिए लगातार टॉप 1 पे चल रहा नंबर 1 पे चल रहा है मेरा ही नहीं के करया करो आप अपनो काम करा अपन अपनो मतबल है यार अपन रोजगार मिल रही अपन बेरोजगारी के चलो महंगाई का भी तो कैसे रंडा होगा महंगाई है भाई बहुत ज्यादा है लेकिन जो काम का हिसाब देखे भाई बेरोजगारी तू बताओ हिसाब तो महंगाई बहुत ज्यादा है मैं बताऊंगा भी हाँ महंगाई भी मैंने बता दी कंट्रोल भी मैं कर लूंगा ये मैं कहूंगा महंगाई कौन है तो मतलब कौन है महंगाई तो है यार पेट्रोल 100 रुपया हो रही है डीजल 90 रुपया हो रही है देखिए महंगाई तो चल के लागे चुनाव हुआ के लागे सुनाओ तो यार कुलदीप सदा ही जीते रब कल फिर जीत जी कुलदीप तो लड़ता है को नहीं तो कौन लड़े तो वे भी सुनो ही लड़े है जीत गया वो जीत कड़ा आ रहा था एमपी का चुनाव तो एमपी आ रहे हो ले भाई ताऊ ने सब जीवे चदा अंडर कई गामा में गले कड़े है ताऊ तो पूछांगे राम राम जी राम राम ठीक हो बढ़िया जमा मौज में सबसे पहले तो सब्जी का काम करो हो सब्जी का काम करो महंगाई कितनी ज्यादा चल रही है महंगाई तो जी जो करे जो खर्चा बढ़ा जो महंगाई होने लग रही है ना सब्जी की महंगाई कितनी चल रही है महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है लोग के कहे खरीदियाने तो आगो आगे महंगाई चलने लग रही है जी फुल प्लेस है महंगाई तो बताओ क्या लगा है क्या माहौल हो रहा है माहौल तो जी अब की बार है पूरा तो जी देखो कुलदीप की सीट तो पक्की है तो देखो थोड़ा सोच कर बताइए किस लागे डैश का किला भाई लागे जी थोड़ा सा के तो थोड़ा सा हाँ है जी है थोड़ा सा कभी हाड़ गांव में सोच दियो कि भाई गांव में गढ़ में खड़ी हार कह दे मार आगे सिर्फ जीना वे कह ना यह बात भी तो उसका है नहीं है जी मतलब लागे थोड़ा 1-2% चांस हो उसके जी कौन है मुकाबले में मुकाबले में तो अपने ये कुलदीप का ये अपने कांग्रेस आ रहा है टक्कर लेगा कांग्रेस टक्कर लेगी जी पूरी टक्कर लेगी फुल टक्कर लेगी चलो भाई काम धंधा वाला मानस है फालतू हमें काम धंधा वाला मानस तक कति नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि राजनीति ये कुत्ती चीज हुआ है सबने बेरा अगले वीडियो में फिर मिलाएं भाई जय जवान जय किसान।